UGW, इंडस, कारफॉल 2.0 और अब ये बैटल ऑफ रिवेंज। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक बैटल रॉयल गेम होने वाला है बैटल ऑफ रिवेंज। ये भी एक मेक इन इंडिया, प्योर मेक इन इंडिया गेम होने वाला है। का ट्रेलर, गेम प्ले, बंदूकें, मैप वगैरह सब कुछ रिवील हो चुका है। यहाँ पर इस गेम के ट्रेलर के अंदर इस गेम का गेम प्ले रिवील कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये गेम कोई ट्रिपल ए टाइप गेम नहीं है, ये कोई हाई बजट गेम नहीं है। आई होप कि आप लोग ग्राफिक्स से अंदाजा लगा पा रहे होंगे, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्री फायर भी जब फर्स्ट टाइम आया था उसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे नहीं थे, इससे भी खराब थे मैं कहूंगा। लेकिन फ्री फायर ने धीरे धीरे जैसे अपने आप को इम्प्रूव किया, ये गेम भी धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरीके से इम्प्रूव करेगा और सबसे बेस्ट बनेगा। मतलब कि इस गेम की कंपनी ने कितनी फटाफट काम किया है यार। 15 दिन पहले ट्रेलर, आज प्ले स्टोर को प्री रजिस्टर, और नवंबर के मंथ में ये गेम लॉन्च होने वाला है, रिलीज होने वाला है। मैं सब गेम्स की कंपनी को कहना चाहूंगा, अगर गेम रिलीज करना है तो इस टाइम से गेम रिलीज करो। कितना ही हाइप बनाओगे यार, UGW वालों को तो मैं क्या ही बोलू, इतना हाइप बना रहे हैं, इतना हाइप बना रहे कि इसने सोची ना होगी। वैसे वो लोग बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं गेम के डेवलपमेंट में, इसके लिए हो सकता है टाइम लग रहा हो UGW वालों को। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है बैटल ऑफ रिवेंज के बारे में, तो ये गेम की बेसिक नॉलेज के बारे में आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स बता देंगे मुझसे पहले ही। जैसे कि इस गेम में 100 प्लेयर्स होंगे, 8x8 का कुछ मैप होने वाला है, 8x8 किलोमीटर का। इस गेम के अंदर बहुत ही सारे कैरेक्टर्स होने वाले हैं। इस गेम का मैप एशिया खंड से इंस्पायर है, यानी एशिया खंड जिसमें हमारा भारत आता है ना, वो पूरा खंड से इंस्पायर है इस गेम का मैप। आई डोंट नो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे अभी पढ़ाया गया था गुजराती में, तो यानी कि इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, खंड बोलते हैं गुजराती में। इस गेम के एक और आप लोग मैप पे नजर डालो, मतलब कि नीचे की साइड यहाँ पर भारत है, ऊपर की साइड पे यहाँ पे एक बर्फ जैसा इलाका है, यानी भारत में जम्मू कश्मीर जैसा कुछ है ना, यहाँ पर एशिया खंड में, यहाँ पर ऊपर की साइड पे यहाँ पर लोगों ने बर्फ वगैरह डाला है, और साइड में रेगिस्तान का थोड़ा बहुत इलाका है। यानी कि यहाँ पर हमें एक ही मैप के अंदर तीनों मौसम के अनुभव करने को मिलेंगे, एक हरियाली, बर्फीला एंड रेगिस्तानी। और ये गेम प्ले स्टोर के साथ साथ एप्पल एप स्टोर पे भी प्ले स्टोर के लिए आ चुका है। एप्पल एप स्टोर पे प्ले स्टोर में आना, यानी कि गेम का बहुत ही जल्द लॉन्च होना, सिंपल से कनेक्शन बन जाता है, सिंपल सी बात है। यानी कि इस गेम में बहुत सारी बंदूकें होने वाली, बहुत सारे कार्स होने वाले हैं, बहुत सारे हाउसेज होने वाले हैं, बहुत ही बड़ा मैप होने वाला है, बहुत ही कूल टाइप बंदे होने वाले हैं। इस मैप के अंदर इंडियन वाली फीलिंग होने वाली है, इंडिया के अंदर जैसे कुछ होते हैं ना, ऐसे इंडिया के मैप के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, इंडियन चीजें इस मैप के अंदर बहुत ही सारी होने वाली है। लेकिन मुझे यहाँ पर खाली एक ही प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर इस गेम के अंदर 100 प्लेयर्स होने वाले हैं, जो कि गेम को बहुत ही लंबा बनाएगा, यानी कि 30 मिनट्स का इसका एक गेम प्ले ही होगा। और मुझे पर्सनली बताओ, लॉन्ग गेम प्ले खेलना मुझे पसंद नहीं है, मुझे कोई ऐसा गेम खेलना पसंद है शॉर्ट टर्म में ऐसे खत्म हो जाए, 15-20 मिनट का गेम प्ले तो बहुत हो गया मेरे लिए। अब यहाँ पर उन लोगों ने कहीं रिलीज तो नहीं किया गेम का 30 मिनट्स का गेम प्ले होगा, बट यहाँ पर इतना बड़ा मैप है और 100 प्लेयर्स है, तो ऑफकोर्स 30 मिनट्स का यहाँ पर गेम प्ले होगा। और ये गेम हर गेम्स की तरह 2GB रैम वाले फोन में भी एकदम मक्खन की तरह चलने वाली है। अगर नहीं चलेगी तो काय को टेंशन ले रहे हो, आपका भाई बैठा है RY गेमिंग स्टार, आपको चला के दिखाएगा 2GB रैम वाले फोन में भी यार, वो भी एकदम मक्खन की तरह गेम प्ले। और इस गेम का गेम प्ले डेट क्या बोल रहा हूँ मैं, रिलीज डेट फिक्स हो चुका है, डेट फिक्स नहीं हुआ मतलब कि मंथ डेट अब फिक्स हो चुका है, मंथ डेट अब क्या बोल रहा हूँ यार मैं, मतलब कि यार मंथ डेट नहीं, यानी कि रिलीज डेट नहीं रिलीज मंथ फिक्स हो चुका है, जो कि है नवंबर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे फटाफट अपने काम को कर दिया करो यार, ऐसे सस्पेंस क्रिएट करना वो बहुत अच्छी बात है, ऐसे हाइप क्रिएट होती है तो गेम और पॉपुलर होता है। बट यहाँ पर ऑडियंस को भी उतना ही वेट करना पड़ता है जितना आप लोग सस्पेंस क्रिएट करोगे। यहाँ पर मस्त सब कुछ हमको रिवील करके दे दिया, यहाँ पर आप कोई टेंशन ही नहीं है इस गेम का। और यहाँ पर आप लोग एक बात पे गौर कर रहे हो, हम किसी भी बंदे को किल करते तो उसके ऊपर से एक जाली निकल के आती है आसमान से और उसके ऊपर लग जाती है और बंदा खत्म हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने मस्त ही मतलब ये कुछ अलग टाइप से सोचा है, अलग टाइप से डिजाइन किया है पूरे गेम को। मेक इन इंडिया गेम बहुत ही जल्द हमारे बीच में आने वाला है। और अगर आपको गेम पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।